सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास सिक्स साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा छह विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लासेस के लिए। और पिछली क्लास में जो बातें हमने करी हैं उनको ही करेंगे कंटिन्यू। मैं उम्मीद करता हूं आप क्लासेस ले रहे होंगे, घर से उनको एक बार रिवाइज कर रहे होंगे। वैसे भी आपका ये रिवीजन चल रहा है, इस चीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसको ही हम एक बार फिर से रिवीजन की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में आपके एग्जाम आपके सामने होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। आप लोग अपना ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखना और हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने चैप्टर फन विद मैग्नेट्स के ऊपर, और जिसके ऊपर हम प्रीवियस कुछ क्लासेस से डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हुए आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू और पिछली जो बातें हमने सीखी हैं उनको इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हमने अब तक जो बातें कर ली थी डियर स्टूडेंट्स वो थी मेक योर ओन मैग्नेट। आप अपना खुद का मैग्नेट बनाना सीख गए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, इसको समझते हैं ये कैसे होता है। चलिए, अब आपको क्या करना है इसके लिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए मेरे साथ, इसको समझिए। आपके पास सपोज दो गाड़ियां हैं, ठीक है, दो गाड़ियां हैं सपोज आपके पास इस तरीके से, ये दो गाड़ियां हैं आपके पास और ये जो गाड़ियां हैं इनका मुंह कुछ इस प्रकार से है। इनके ऊपर हमने मैग्नेट रखे हुए, क्या रखे हुए, चुंबक। चुंबक के आप जानते हैं दो ध्रुव होते हैं, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लास में। तो चुंबक को हमने इस प्रकार से रखा, एक बार तो हमने इसके जो ये लाल वाला हिस्सा है ये है इसका एक पोल और इसका दूसरा हिस्सा इस प्रकार से। ठीक है, गाड़ी के ऊपर हमने दो मैग्नेट को रखा और दोनों को हमने क्या लगाया, दोनों के जो ध्रुव हैं, दोनों के जो पोल्स हैं उनको अपोजिट रखा। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने ये एक ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है, और यहाँ पर एक ध्रुव है दूसरा ध्रुव है। तो ये जो लाल वाला ध्रुव है ये दूसरी तरफ है, एक तरफ नहीं, आमने सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रखा। ठीक है, और आगे करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद क्या करना है आपने, इन गाड़ियों को लाना है पास पास। उसके बाद क्या करना है आपने, इन गाड़ियों को लाना है पास पास। ये गाड़ी ए है, ये है कार ए और एक है कार है, एक कार ए हो गई एक कार बी हो गई। ठीक है, अब दो गाड़ियां हैं आपके पास, दोनों गाड़ियों को आप क्या करेंगे, पास पास लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सेम काम करेंगे और सेम चीज। ठीक है, बस इसमें हम एक चीज अलग कर देंगे, एक चीज चेंज कर देंगे कि जो इनके पोल्स हैं, जो इनके ध्रुव हैं, हम उनको परस्पर एक्सचेंज कर देंगे। मतलब उस पर हमने क्या करा था, इधर ब्लू था तो यहां ब्लू था ना पिछली बार, तो अभी हमने उल्टा कर देना है, कोने कोने में ब्लू और बीच बीच में रेड, ऐसा। देख रहे हो दोनों में अंतर, देख रहे हो, ये वाले फिगर देखो इसमें क्या है, इसमें रेड जो है वो अलग अलग साइड है, ब्लू जो है वो अलग अलग साइड है। इस वाले फिगर में देखो, इसमें देख रहे हो आप रेड रेड आमने सामने है, रेड रेड आमने सामने है, है ना। और एक में हम यही काम करेंगे, उसमें हम ब्लू को आमने सामने रखेंगे।
तो इस गाड़ी इस वाले केस में हम क्या करते हैं, यहां ब्लू इसके सामने ब्लू, यहां रेड इसके सामने, ठीक है। तो ये ब्लू रेड जो है ये दो रंग क्या दिखा रहे हैं, ये हमको अलग अलग पोल दिखा रहे हैं, अलग अलग ध्रुव दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमको यहां पर क्या समझ में आता है, अब पहली वाली गाड़ी देखते हैं, हम सबसे पहली वाली कारों को देखते हैं। जब यहाँ पर दोनों कारों के सामने मैं इस टाइप की कंडीशन रखता हूँ, ठीक है, और उन्हें चलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, उनको क्या कोशिश करते हैं, हम चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों कार जो है एक दूसरे की तरफ आती जाती हैं, एक दूसरे की तरफ क्या हो जाती हैं, अट्रैक्ट हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। मतलब हमको इनको चलाने के लिए कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही जो है एक दूसरे की तरफ खींच जाती है। मतलब ये वाली गाड़ी जो होगी, ये वाली गाड़ी जो होगी इधर की तरफ आएगी और ये वाली गाड़ी इधर की तरफ आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस में देखिए, नेक्स्ट केस में क्या होगा कि यहां पर हमने देखा कि ये वाली गाड़ी इधर की तरफ जा रही है और ये वाली गाड़ी इधर की तरफ जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा, इसमें भी देखा हमने कि ये वाली गाड़ी इधर की तरफ जा रही है और ये वाली गाड़ी इधर की तरफ जा रही है। तो अब हमारे दिमाग में कुछ बात चली, हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, कभी कभी तो गाड़ियां पास पास आ रही हैं और कभी कभी ये दूर दूर जा रही हैं। कभी क्या हो रही है, ये पास पास आ रही हैं और कभी कभी ये दूर दूर जा रही है, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आया कि जब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में गाड़ियां पास पास आ रही हैं, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, गाड़ियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या कहा, गाड़ियां जो है दूर दूर जा रही हैं, तो यहां पर प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी कि रिपल्शन हो रहा है। और इस केस में देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है गाड़ियाँ दूर दूर जा रही हैं, मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण किसकी वजह से हुआ, जो चुंबक रखे हुए हैं, जो मैग्नेट्स रखे हुए हैं गाड़ियों के ऊपर, उनकी वजह से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में यहाँ पर देखो मैग्नेट्स के सेम पोल, यहाँ ब्लू है तो यहाँ भी ब्लू है, ठीक है, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी जो है सेम पोल्स, रेड है तो रेड, मतलब कि जब चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जब चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे के सेम पोल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे आप यहाँ देख लो और चाहे आप यहाँ देख लो, समान है, एक दूसरे के सामने जो है एक जैसे हैं ये, तो ये दूर दूर जाएंगे, ठीक है। जब ये अलग अलग होंगे ना, देखो यहाँ पर, जब ये एक दूसरे के सामने अलग अलग होंगे, देखो यहाँ ब्लू है और यहाँ रेड है, नीला और लाल, मतलब कि जब अलग अलग, जब असमान ध्रुव होंगे तो तब ये पास पास आएंगे, बात समझ में आ गई, तब इनमें आकर्षण या अट्रैक्शन होगा। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं आप, ठीक है, अब बहुत हम समझ गए, इस बात को हम नोट डाउन कर लेते हैं। आप इसमें लिखेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो हमने जो जो बातें करी अब उनसे हमें जो पॉइंट समझ में आए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर वन पॉइंट, टू, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर
दो समान ध्रुव जो हैं चुंबक के, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। इसको हम क्या कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं। इसके अलावा टू अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। तो समझ में आ गया, दो सिमिलर पोल्स होते हैं जो मैग्नेट के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और दो अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहेगी। आपसे अब क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कुछ पहले जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो लिख दिया होगा आपने। अब बताइए कुछ सिंपल से क्वेश्चन के आंसर। मैं आपके सामने यहाँ पर चार सिचुएशन रख रहा हूँ, ठीक है, और इसका आप मुझे आंसर। चलो बच्चों, ये लिख दिया सबने, चलो अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये ऊपर मैंने दो चुंबक रखे हैं, ये ए और ये बी, इन चुंबकों के असमान ध्रुव, देखो यहाँ पर रेड है और यहाँ भी रेड है, तो ये एक दूसरे को पास पास खींचेंगे या दूर दूर धकेलेंगे, इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। ठीक है, बताओ बच्चों, ये जो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं बताओ, GIC गजरौला, अपना नाम बताइए, क्या नाम है बच्चे आपका। सर विशाल। विशाल, वेरी गुड। विशाल ने गजरौला से फर्स्ट आंसर दिया है। सबके सब विशाल के लिए क्लैपिंग करें, तालियां बजाएंगे विशाल के लिए सभी बच्चे, वेरी गुड। अच्छा, हम क्या करते हैं, जो बच्चा आते पहले तो उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, और उसका नाम जो है सभी स्कूल सारे बच्चे देखते हैं। अब बताओ विशाल, क्या आंसर होगा सर, ये इससे दूर दूर जाएंगे दूर दूर जाएंगे, दूर दूर क्यों जाएंगे बच्चे बताओ। सर, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन दूर दूर का है ये सर। विशाल देखो, हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, आपका आंसर सही है, ये रेड कलर है। ये क्या है, ये रेड कलर है, मतलब ये सेम पोल है। ठीक है, रेड कलर का क्या मतलब है, पोल, तो सेम कलर है ना, दोनों सेम है मतलब सेम पोल है। जब हमने क्या बोला, सिमिलर, सिमिलर या सिमिलर का मतलब सेम भी होता है, तो जब सेम पोल होंगे या सिमिलर पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल मतलब दूर दूर भेजेंगे। तो यहाँ पर ये मैग्नेट इधर की तरफ भागेगा और ये वाला मैग्नेट इधर की तरफ भागेगा, मतलब ये दूर दूर जाएंगे, यहाँ पर रिपल्शन होगा, वेरी गुड। विशाल के लिए एक बार फिर से तालियां बजाएंगे सभी बच्चे, इन्होंने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, बैठ जाइए विशाल। और कौन बताएगा आंसर, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। नीचे भी एक क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ भी दो मैग्नेट दे रखे हैं हमको, ए और बी, इसमें भी देखो यहाँ पर ब्लू कलर हो रखा है, यहाँ पर ब्लू कलर हो रखा है, बताओ कौन बताएगा, दूसरा बच्चा कौन बताएगा आंसर। नी आई जीचे GIC कौन बताएगा, बच्चों आंसर हाथ खड़ा करो, अभी तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी मुझे सेम पोल देखने को मिल रहे हैं। क्यों सेम पोल क्यों देखने को मिल रहे हैं, आप बोलेंगे सर ऊपर भी सेम पोल था नीचे भी सेम पोल, तो नीचे देखो ना बच्चों, जो कलर यहाँ पर है वही कलर यहाँ पर है, जो पोल इधर है वही पोल आमने सामने है,
मतलब जब आमने सामने सेम पोल होते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको रिपल्शन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ भी हमको रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। समझ में आ गया, इसे नोट डाउन करो, इसे जल्दी से नोट डाउन करो। चलो बच्चों जल्दी से नोट डाउन करो। कर दिया नोट डाउन? किस किस ने लिख दिया जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड, हाथ नीचे। अब जब आप इसे कॉपी में लिख रहे होंगे ना, आपके पास रंग तो होंगे नहीं, आपके पास रंग तो होंगे नहीं, तो आप लाल रंग के लिए लिखो, लाल रंग के लिए लिखते हैं नॉर्थ पोल और ब्लू रंग के लिए लिखते हैं साउथ पोल। ऐसे ही आप यहाँ भी लिख सकते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे लाल रंग के लिए क्या, नॉर्थ पोल और ब्लू रंग के लिए क्या, साउथ पोल। ऐसे यहां भी करेंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है, कुछ सवाल पूछेंगे इजी इजी। एक और सवाल है, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे जरा। देखो अब फिर से दो मैग्नेट्स दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना और फिर आंसर करना। मैंने क्या बोला है, रेड कलर मतलब नॉर्थ पोल, ब्लू कलर मतलब साउथ पोल। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हो, कॉपी में रंग तो कर नहीं पाओगे, तो इसकी जगह पे N लिख देना, इसकी जगह पे S लिख देना, ब्लू की जगह पे S और रेड की जगह पे N। अब दोबारा से क्वेश्चन सुनिए, यह है पहला क्वेश्चन और यह है दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखो मैग्नेट्स कैसे रखे हुए हैं, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल रखा हुआ है, विपरीत रखे हुए हैं, अपोजिट रखे हुए हैं। चलो कौन बताएगा, यहाँ पर आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे, कौन बताएगा? अच्छा काफी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी आई सी गजरौला, और बच्चे नहीं आते, किसी और बच्चे से बात करते हैं। जी आई सी गजरौला बताइए, बच्चे अपना नाम बताइए और आंसर बताइए। रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? रविंदर बताइए, रविंदर क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ये पास पास आएंगे, ये पास पास आएंगे, मतलब ये इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, उसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं, रिपल्शन कहते हैं? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बोलो, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, सबके सब बच्चे ताली बजाए, रविंदर के लिए भी सही आंसर दिया है, गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए रविंदर। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? आई थिंक जी आई सी गजरौला ही हमारा दूसरा आंसर भी देगा। जी आई सी गजरौला, इससे पहले हम विशाल से पूछ चुके हैं, रविंदर से पूछ चुके हैं, विशाल और रविंदर के अलावा कोई दूसरा बच्चा बताएं? वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका बच्चे? नवदीप। नवदीप, नवदीप बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सर अट्रैक्शन होगा। सर अट्रैक्शन होगा, वेरी गुड नवदीप, नवदीप कह रहे हैं अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन क्यों होगा नवदीप, जरा समझाइए हमको। सर ये अलग अलग सीन है। हाँ क्योंकि ये कैसे पोल्स है, आप कहेंगे सर ये अपोजिट पोल्स हैं, कैसे अपोजिट, एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है, ठीक है, गुड। नवदीप के लिए भी सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे जोरदार एक बार, सही आंसर बताए इन्होंने, वेरी गुड, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब ये हो गया है चैप्टर में हमारी काम की बातें खत्म। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है जरा हाथ खड़े करके बताएं, कितने बच्चों को ये समझ में आया कि कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्शन होगा? सारे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं हाथ खड़ा, किसको समझ में नहीं आया बताओ? ठीक है हाथ नीचे, किस बच्चे को समझ में नहीं आया जरा हाथ खड़े करो। ओके आई थिंक सबको समझ में आ गया है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए और भी मजेदार क्वेश्चन, जो इन क्वेश्चन का आंसर देगा
उनको यहाँ से शाबाशी दी जाएगी। अब तक हम पढ़ चुके हैं इनको। अच्छा एक बात बताओ, ये चैप्टर कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है आपकी क्लास में? चैप्टर ये वाला है, चैप्टर है वन विद मैग्नेट। ये देखो आपकी बुक का ये चैप्टर है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज, मतलब ये एक दो दिन से हम पढ़ रहे हैं फन विद मैग्नेट। कितने बच्चों ने पढ़ दिया है चैप्टर अपने स्कूल में, जरा हाथ खड़े करके बताओ। कितने बच्चे पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, गुड, हाथ नीचे, ओके। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर की। ये वर्कशीट भी है ना, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके ऊपर हम आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं, अब हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना है, इसके लिए आपको रेडी होना है। मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास के लिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इनको एक बार घर से देख के आना, तैयारी करके आना, अगली क्लास में आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर। चलिए, तो कितने बच्चों को आज की क्लास पसंद आई, जरा हाथ खड़े करके बताओ। ठीक है, गुड। कितने बच्चे अगली क्लास में होमवर्क करके लाएंगे, जरा हाथ खड़े करके बताओ। ओके, गुड, तो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के। नेक्स्ट क्लास में ये क्लास जो पिछले, अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर भी ये सारी क्लासेस हमने पढ़ा करके डाली हुई, यूट्यूब पर जा करके चेक कर लेना, सब कुछ वहां पर पढ़ाया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और GIC गजरौला से विशाल, रविंदर और नवदीप, तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया। आगे की क्लासेस में भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करो। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो आपको चीजें पढ़ाई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।